warm hello to all the learners of Mathetic Maths Adda. Welcome to the new lecture of virtual work. Myself Vinay Pandey. Students, B.sc second year के जो virtual work के videos थे, कुछ videos मैं पहले ही provide कर चुका हूँ, जिसमें हमने virtual work के बारे में पढ़ा था. बाकी virtual work से related कुछ numericals भी हमने पहले कर लिए हैं. तो आज का जो next video है, वो भी virtual work पे based है. इसमें फिर हम उसी टाइप के न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होगा. यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चंस हम लेके चल रहे हैं. हम तो आइए देखते हैं, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है. अ स्मूथली जॉइंटेड फ्रेमवर्क ऑफ लाइट रॉड्स फॉर्म्स अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी. क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बन रहा है. सपोज ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी हमने फॉर्म कर दिया. The middle points P and Q of जो P और Q हैं of an opposite pair of rods are connected by a string in a state of tension. कोई भी दो opposite ये हम ले लेते हैं, P और Q. इसको जो ये स्ट्रिंग है, इसमें क्या लग रही है, टेंशन, और टेंशन किस डायरेक्शन में लगती है, इनवर्ट डायरेक्शन में, टी. और ये पी और क्यू हमने ले लिए, और आर और एस मिडिल पॉइंट्स हैं. अदर जो साइड्स बची हुए हैं उनके जो मिड पॉइंट्स हैं आर और एस, उसको उसमें लग रहा है थ्रस्ट, और थ्रस्ट आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है. तो आपको ये प्रूफ करना है वर्चुअल वर्क से, टी अपॉन पी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन आर एस, ये हमको प्रूफ करना है. तो डायग्राम को थोड़ा सा और कंप्लीट कर लेते हैं. इसमें जो एक तो पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं. ये ओ पॉइंट हमने ले लिया, और इन सबको भी ज्वाइन कर लेते हैं. तो अगर हम प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क लगाएं, तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क में जो फोर्सेस लगते हैं, वो यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, एक टेंशन वाला और एक थ्रस्ट वाला. तो फॉर्मूला क्या बनेगा प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क का, टेंशन में हम क्या लेते थे, माइनस टी डेल पी क्यू, और थ्रस्ट में पॉजिटिव साइन, एक्स डेल आर एस इज इक्वल टू जीरो. तो टी डेल पी क्यू इज इक्वल टू एक्स डेल आर एस, डेल पी क्यू अपॉन डेल आर एस इज इक्वल टू हो गया एक्स अपॉन टी. ये इक्वेशन नंबर वन होगी. इस इक्वेशन नंबर वन को मैं अलग से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, डेल पी क्यू अपॉन डेल आर एस इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी, ये इक्वेशन वन है. और जो रिजल्ट हमको प्रूफ करना है वो है टी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर एस, ये रिजल्ट हमको प्रूफ करना है. बाकी मैं क्वेश्चन को हटा दे रहा हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन इसका लेंथी है. तो आप ध्यान से समझिए इसको. जो ट्राइंगल ओ ए बी की अगर हम बात करें, इन ट्राइंगल ओ ए बी, आप देखिए ये इस ट्राइंगल ओ ए बी में पी क्या है, इसका मिड पॉइंट है. पी अगर मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ओ पी क्या हो गया, एज अ मीडियन. और आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी ट्राइंगल में मीडियन, कोई भी एक मीडियन अगर आप ले रहे हैं, तो क्लास नाइन्थ में एक थ्योरम है कि अगर ये ट्राइंगल ओ ए बी में ओ पी अगर मीडियन है, तो जो मीडियन को कंटेन करने वाली दो साइड्स हैं उनका स्क्वायर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ये इक्वल टू होता है ट्वाइस ऑफ मीडियन स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ दिस साइड ए पी स्क्वायर. ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर टू ओ पी. ओ पी किसका हाफ है, पी क्यू का. तो हाफ पी क्यू स्क्वायर, और ट्वाइस ए पी किसका हाफ है, ए पी हाफ है ए बी का, हाफ ए बी स्क्वायर. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वन बाई फोर बनेगा, टू से कैंसिल होकर के, तो वन बाई टू फिर से बचेगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर. ये हो गया ओ ए स्क्वायर प्लस
ओ बी स्क्वायर इक्वेशन नंबर टू. सिमिलरली इसका जो अपोजिट ट्राइंगल बन रहा है वो कौन सा है, ओ डी सी इन ट्राइंगल ओ डी सी. फिर से इसी तरीके की कंडीशन लगाएंगे तो इसमें क्या आ रहा है, ओ सी स्क्वायर और ओ डी स्क्वायर. ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर. जैसे यहाँ पे पी क्यू और ए बी आ रहा है, पी क्यू ये है और ए बी ये है, तो इसमें क्या आ रहा होगा, वन बाई टू पी क्यू तो यहाँ भी आएगा. देखिए इस ट्राइंगल में हमने अगर वो मीडियन वाली थ्योरम लगाई तो एक तो ये पूरी साइड आ रही है और एक ये बेस आ रहा है, तो इसके अपोजिट में भी हम सिमिलरली अगर लगाएंगे तो एक पी क्यू आएगा और एक बेस कितना हो जाएगा, सी डी स्क्वायर इक्वेशन नंबर थ्री. दोनों को ऐड कर लेते हैं, टू प्लस थ्री तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ पी क्यू स्क्वायर. टू टाइम्स आ रहा है, टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर. ये इक्वेशन नंबर फोर हो गई. हमने क्या किया, इस वाले ट्राइंगल में मीडियन वाली थ्योरम लगाई, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, इसका और इसके स्क्वायर का ट्वाइस का सम होगा, और फिर वो ऐड करके एक इक्वेशन बनाई, फिर इसके अपोजिट ट्राइंगल में बनाई और इन दोनों को ऐड किया तो ये आया. अब हम इसी तरीके से दो ट्राइंगल यहाँ भी तो हैं, एक ट्राइंगल ओ डी ए और एक ट्राइंगल है ओ बी सी. सिमिलरली इन ट्राइंगल ओ ए डी एंड ट्राइंगल ओ बी सी. अब पूरा मैं डिटेल में सॉल्व नहीं कर रहा हूँ. इस ट्राइंगल में हम मीडियन वाली थ्योरम लगाएंगे तो ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर और ट्वाइस ओ आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ये हो जाएगा. ऐसे इस वाले में लगाएंगे फिर ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट इक्वेशन क्या आएगी, इसमें क्या आ रहा है, ओ सी स्क्वायर सॉरी ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी. ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी यानी कि इसके लेफ्ट साइड में भी यही टर्म्स आएंगे, ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर. और राइट साइड में यहाँ पे क्या आ रहा था, वन बाई टू पी क्यू, तो यहाँ पे आ रहा होगा आर एस. ए बी और सी डी आ रहा है, ए बी और सी डी यहाँ आ रहा है, तो यहाँ क्या आ रहा होगा, ए डी और बी सी, बी सी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर. ये हो गई इक्वेशन नंबर फाइव. बस ये इक्वेशन फॉर्म करना मेन है यहाँ पे. ये इक्वेशन फोर और फाइव अगर आपने फॉर्म कर दी तो इसके बाद आपको बहुत ईजी सॉल्यूशन पड़ेगा. इन दोनों की फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन दोनों में लेफ्ट हैंड साइड दोनों के सेम है. आप देखिए दोनों के लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड को इक्वेट कर लेते हैं, वन बाई टू टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, वन बाई टू टू आर एस स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर. इसको अब मैं हटा दे रहा हूँ. अब आप इसको देखिए, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ये ट्वाइस वाले टर्म एक साथ, टू पी क्यू स्क्वायर माइनस आर एस स्क्वायर टू कॉमन और बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर. अब आप देखिए ए बी बी सी सी डी और डी ए, ए बी बी सी सी डी और डी ए क्या हैं, ये रॉड्स हैं और रॉड्स जो हमने लिए हैं इसका मतलब ये जो फ्रेमवर्क बना है रॉड्स की लेंथ तो चेंज होगी नहीं, ये फिक्स्ड होंगी, ये चारों रॉड्स फिक्स्ड हैं तो ये सब जो लेंथ है फिक्स्ड होंगी, यानी कि ये सब क्या आ गए, कांस्टेंट. तो इसका मतलब टू पी क्यू स्क्वायर माइनस आर एस स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, कांस्टेंट. अब इसको डिफरेंशिएट अगर हम करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा टू पी क्यू फिर डेल पी क्यू और इसका हो जाएगा टू आर एस डेल आर एस और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो. टू और टू कॉमन आकर के ये टू हट जाएगा सब, ये सारे टू कैंसिल हो गए तो पी क्यू डेल पी क्यू माइनस आर एस डेल आर एस इज इक्वल टू जीरो. इसको राइट साइड में लेके जाते हैं, पी क्यू डेल पी क्यू आर एस डेल आर एस, तो डेल पी क्यू अपॉन डेल आर एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एस अपॉन पी क्यू. यह आपकी नेक्स्ट इक्वेशन हो गई, आई थिंक सिक्स्थ इक्वेशन है, नहीं सेवन्थ है शायद. तो ये फर्स्ट इक्वेशन स्टार्टिंग में फॉर्म कर दी थी और सेवन्थ इक्वेशन ये है फ्रॉम वन एंड सेवन. दोनों को अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड दोनों के सेम है तो x अपॉन t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एस अपॉन पी क्यू. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, t इधर आ जाएगा तो t अपॉन p
पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एस यहाँ आ जाएगा एक्स अपॉन आर एस, और ये रिजल्ट हमको क्वेश्चन में प्रूव भी करना था। तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, बस आपको इसमें जो एक्स्ट्रा हमने प्रॉपर्टी लगाई थी वो मीडियन वाली प्रॉपर्टी लगाई थी, बाकी हमने वर्चुअल वर्क का ही यूज़ किया है, तो ये रिलेशन हमारा प्रूफ हो गया। देखिए जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो बिल्कुल इससे पहले न्यूमेरिकल की तरह है। द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ जॉइंटेड क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल एरियाज आर कनेक्टेड बाय लाइट रॉड्स एल एंड एल डैश। यहाँ पे जो पी क्यू है उसकी लेंथ एल है और आर एस जो है उसकी लेंथ क्या है, एल डैश है, ये दिया हुआ है। और एंड टी डैश विद द टेंशन इन दीज रॉड्स, पहले वाले केस में एक टेंशन टी थी और दूसरी जो थी वो थ्रस्ट थी, तो यहाँ पे दूसरी जो है वो भी टेंशन ही है, इसको हम टी डैश ले लेते हैं। टी तो ये वाली टेंशन है और टी डैश ये टेंशन है। तो पहली इक्वेशन हमने क्या बनाई थी, जो सबसे पहले हमने उस इससे पहले वाले क्वेश्चन के लिए पहली इक्वेशन बनाई थी वो थी माइनस टी डेल पी क्यू, और दूसरे वाले को प्लस लिया था क्योंकि वो थ्रस्ट था, यहाँ पे टेंशन है तो माइनस आ जाएगा, और डेल आर एस इक्वल टू जीरो। तो माइनस टी डेल पी क्यू इज इक्वल टू टी डैश डेल आर एस, तो डेल पी क्यू अपॉन डेल आर एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टी डैश अपॉन टी, ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। फिर इसके आगे के जो स्टेप्स हैं बिल्कुल उसी तरीके से फॉलो करना है जैसे मैंने इस ओ ए बी में मीडियम ये था ओ पी, तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ पी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए पी स्क्वायर, ऐसे इस ट्राइंगल में वो प्रॉपर्टी लगाई थी, दोनों को ऐड किया था, फिर इन दोनों ट्राइंगल में वो प्रॉपर्टी लगाई थी, दोनों को ऐड किया था, फिर इक्वेट किया था। सारी प्रोसीजर आपको वही फॉलो करना है, बिल्कुल सेम इक्वेशन बनानी है। लास्ट में जो इक्वेशन हमारे पास आ रही थी वो थी पी क्यू डेल पी क्यू माइनस आर एस डेल आर एस इज इक्वल टू जीरो आ रहा था, तो यहां से आ गया था पी क्यू डेल पी क्यू इज इक्वल टू आर एस डेल आर एस, तो डेल पी क्यू अपॉन डेल आर एस इज इक्वल टू आ गया था आपका आर एस अपॉन पी क्यू। तो ये पूरा प्रोसीजर आपको पहले वाले क्वेश्चन का ही फॉलो करना है। और आगे जो इक्वेशन हमारी निकल के आएगी, दोनों को इक्वेट किया था हमने, तो यहाँ पे भी दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। माइनस टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू आ गया आर एस अपॉन पी क्यू, माइनस टी डैश अपॉन टी, आर एस किसके इक्वल है, एल डैश के, और पी क्यू किसके इक्वल है, एल के। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है आपको। टी डैश इसके अपॉन में आ जाएगा और एल इसके अपॉन में आ जाएगा, तो माइनस सॉरी हमको जो रिलेशन लेके आना है ये पहले ऐसे ही कर लेते हैं, माइनस एल अपॉन टी इज इक्वल टू आ जाएगा एल डैश अपॉन टी डैश, दोनों का रेसिप्रोकल कर लेते हैं, माइनस टी अपॉन एल टी डैश अपॉन एल डैश, इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा टी अपॉन एल प्लस टी डैश अपॉन एल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। और यही रिलेशन हमको यहाँ पे प्रूव भी करना था, तो आपको बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो चेंज पहले वाले क्वेश्चन से इसमें था, कि यहाँ पे टेंशन थी और इससे पहले वाले केस में वो थ्रस्ट था, तो इस वजह से पहले वाले केस में यहाँ पॉजिटिव आ रहा था और यहाँ पे नेगेटिव आ गया था।